अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान की ओर से साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के तत्वावधान में श्री हिंदू सेवाश्रम गोरखनाथ मंदिर में किया जा रहा है। 15 जून को उद्घाटन समारोह में सैद्धांतिक सत्र में राष्ट्र निर्माण में योग की उपाध्यता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया है। योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का उद्घाटन गुरु गोरक्षनाथ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शुरुआत किया गया। इस दौरान सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस क्रम में 16 जून को योग की प्रासंगिकता पर व्याख्यान होगा, तो वहीं 17 जून को प्राणायाम, 18 जून को विज्ञान की दृष्टि में योग, 19 को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के हठ योग की चिकित्सा उपयोगिता का व्याख्यान आयोजित होगा, वहीं 20 जून को कुंडलिनी जागरण की वैज्ञानिक विवेचना पर व्याख्यान होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को आयोजन के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योग पर विशेष व्याख्यान होगा। कार्यशाला के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग प्रोफेसर सभाजीत मिश्र ने राष्ट्र निर्माण में योग की उपाध्यता विषय पर अपना व्याख्यान दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग प्रोफेसर सभाजीत मिश्र, पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के प्रभारी डॉक्टर चंद्रजीत यादव एवं शैक्षिक कार्यशाला के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर जयंत कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सहित योग प्रशिक्षु सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमो दुर्द्रेभ्यो देवाम्बरकविकवाभ्यो दशकाचेतसो नमो सुते नो मृगयन्ते स्वदशनो देशितमेकां जं वेद नमः। मनीषा का ये
के बारे में जानते हैं, इसके अतिरिक्त भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से भी हमारा परिचय है। इसके अलावा हम कई विधाएँ हैं